सो लेट स्टार्ट स्केटरिंग ऑफ लाइट. ओके, स्केटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डिरेक्शन. ओके, वेरियस रैंडम डिरेक्शन दैट मीन्स लाइट इज स्कैटर्ड बाय वेरियस टाइप्स व्हेन इट इज फॉल ऑन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन इट पाथ. सो डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ओके, व्हाइट लाइट एंड जो कलर लाइट व्हिच मेकअप द व्हाइट लाइट आफ्टर व्हाइल. ओके, सो ड्यू टू दिस ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेड कलर ऑफ द सनराइज एंड सनसेट टेक्स प्लेस ड्यू टू एंड इट कैन बी हैपेंस बाय दिस टिंडल इफेक्ट. सो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, देखिए स्केटरिंग होता है उसमें लाइट बाय द पार्टिकल्स इन इट पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. तो ये इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्केटरिंग. तो स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. व्हेन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स ए डस्टी रूम, हम देख रहे हैं कोई भी रूम है, डस्टी रूम है, क्लोज रूम, डार्क रूम है, वहाँ से क्या होता है कोई भी एक होल है, लाइट आ रहा है तो लाइट का पाथ हमें दिखाई देता है. ओके, और वो जो लाइट का पाथ में जो डस्ट पार्टिकल इज मूविंग अराउंड वी जस्ट सी. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द टिंडल इफेक्ट. ओके, और इन साइड ए फॉरेस्ट, डार्क फॉरेस्ट, व्हेन सनलाइट फॉल्स दैट लाइट व्हेन पासिस थ्रू दिस डार्क फॉरेस्ट द पाथ ऑफ लाइट रे बिकम्स विजिबल दैट मीन्स डस्ट आर मूविंग हियर देयर. दिस इज ऑल्सो ए टिंडल इफेक्ट. ओके, एंड स्कैटर लाइट्स, व्हेन दिस स्कैटर लाइट एंटर आवर आईज वी कैन सी द बीम ऑफ लाइट. टिंडल इफेक्ट इट इज ड्यू टू द वे ऑफ सनलाइट बिकम्स विजिबल थ्रू द डस्ट पार्टिकल्स ऑफ रूम, जैसे कि मैंने बोला, एंड ऑब्जर्व कर सकते हैं डेंस फॉरेस्ट और कैनोपी में. ओके, एंड अभी हमारा पढ़ा हुआ कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जैसे पढ़ा हुआ स्पेक्ट्रम लाइट फॉर्मेशन होता है, हाउ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फॉर्मेशन होता है, व्हाइट लाइट का सेवन कलर ऑफ लाइट. सो हम जो भी हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट देखेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, उसमें रेड एंड ब्लू आर प्रोमिनेंट कलर्स उसमें रहते हैं. रेड एंड ब्लू कलर आर द प्रोमिनेंट कलर्स. ओके, वेरी प्रोमिनेंट इन इट. एंड रेड कलर का क्या है, वेवलेंथ मोर है. ओके, एंड शॉर्टर ब्लू कलर का वेवलेंथ शॉर्ट है. क्लियर? सो वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज ऑलमोस्ट हाफ दैट ऑफ रेड लाइट. ओके, ब्लू लाइट इज हाफ दैट ऑफ रेड लाइट. टिंडल डिस्कवर्ड दैट व्हेन व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर इज पास थ्रू ए क्लियर लिक्विड हैविंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन इट दैट द ब्लू कलर ऑफ व्हाइट लाइट हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर. ओके, देन दी मोर देन दी रेड कलर हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ. ठीक है, सो ब्लू लाइट इज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ है, सो इट स्कैटर्ड मोर इजिली. ऑन दी अदर हैंड जो रेड लाइट का लॉन्गर वेवलेंथ है, इट इज नॉट स्कैटर्ड मच. सो ब्लू कलर लाइट दैट इज प्रेजेंट इन व्हाइट सनलाइट इज स्कैटर्ड मच मोर देन दी रेड लाइट. ओके, जनरली ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड 10 times. ओके, 10 times देन दैट ऑफ रेड लाइट, 10 times देन दैट ऑफ रेड लाइट. ओके, द कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड करता है साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स. साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है. डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट्स दीज आर व्हिच आर सस्पेंडेड इन द एटमोस्फियर. ओके, दीज आर दी व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट. ओके, देन स्कैटरिंग टेक्स प्लेस. ओके, एयर मॉलिक्यूल जैसे है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है जो एटमोस्फियर में प्रेजेंट है. ओके, दीज आर दी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड द वेवलेंथ देन दी वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट. ओके, सो जब व्हेन व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम दी सन हिट दिस वेरी स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स इट बिहेव्स डिफरेंटली. द डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट का डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट है, उनका वेवलेंथ ऑल्सो डिफरेंट है. ठीक है, सो दे आर एफेक्टेड डिफरेंटली. लोअर वेवलेंथ जैसे ब्लू कलर्ड है आर स्कैटर्ड मच मोर बाय दी एयर मॉलिक्यूल्स, बट द हायर वेवलेंथ जो रेड है उसका स्कैटरिंग लेस होता है. सो व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, इट इज नॉट स्कैटर्ड एज व्हाइट लाइट. ओके, इट इज नॉट स्कैटर्ड एज व्हाइट लाइट. मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर स्कैटर मेनली द लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हिच हैव ब्लू शेड्स. ओके, सो द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इन द एटमोस्फियर. ओके, जैसे कि फास्ट वी जस्ट वॉच द लार्जर पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन दी एटमोस्फियर दैट प्रेजेंट इन दी एटमोस्फियर दे रिफ्रैक्ट लाइट
वेरी लेस दैट मीन्स द लार्जर पार्टिकल्स जो है ओके स्कैटर करता है लाइट को एज मच एज ड्यू टू हिच स्कैटर लाइट अपीयर्स व्हाइट, मतलब ज़्यादा स्कैटरिंग होता है तो ऑल लाइट स्कैटर हो गया, तो ऑल लाइट स्कैटर होके ऑल कलर लाइट स्कैटर होने के बाद देन मिक्स होके व्हिच कलर मेक्स व्हाइट कलर मेक्स सो व्हाइट होता है। लेकिन व्हेन इट इज वेरी स्मॉल एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल जैसे कि एयर मॉलिक्यूल से ठीक है एटमोस्फियर दे स्कैटर मेनली ब्लू लाइट प्रेजेंट इन व्हाइट लाइट क्लियर। सो ऑल दी लार्ज पार्टिकल्स में स्कैटरिंग होता है लेकिन एज ऑल द वेवलेंथ आर स्कैटर ऑल द कलर आर स्कैटर ऑल कलर मिक्स देन व्हाइट कलर बिकम्स। बट इन केस ऑफ स्मॉल स्मॉल एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल्स एयर मॉलिक्यूल से उसमें क्या होता है ओनली ब्लू कलर लाइट स्कैटर होता है ठीक है। सो ड्यू टू दिस फेनोमेनन वी विल सी दैट एट दी केस ऑफ स्काई इन केस ऑफ स्काई देखिए स्काई के बारे में हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ व्हाइट सनलाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल जो एटमोस्फेयर में है उसके लिए ब्लू कलर आता है हमें, इसलिए क्या होता है स्काई ब्लू कलर दिखाई देता है। देखते हैं जो सनलाइट है उसमें सेवन कलर प्रेजेंट होता है ओके मिक्स टुगेदर है सेवन कलर है। जो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमोस्फियर मोस्ट जो लॉन्गर वेवलेंथ जो लाइट है जैसे कि रेड है ऑरेंज है येलो है ठीक है प्रेजेंट इट डू नॉट स्कैटर्ड मच बाय द एयर मॉलिक्यूल्स, तो एयर मॉलिक्यूल्स में स्कैटर्ड नहीं होता है स्ट्रेट पास होता है। लेकिन जो शॉर्टर वेवलेंथ है जैसे कि ब्लू कलर का ठीक है स्कैटर्ड ऑल अराउंड द स्काई दी एयर मॉलिक्यूल्स ओके बाय द एयर मॉलिक्यूल्स ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट। सो व्हिच डिरेक्शन वी लुक सम ऑफ द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर आवर आई ठीक है। सिंस ब्लू लाइट फ्रॉम एवरीवेयर इज ओवर आवर हेड सो हमें क्या दिखाई देता है स्काई ब्लू कलर दिखाई देता है ओके। तो स्काई की मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर जैसे कि मॉलिक्यूल्स में क्या क्या है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है वो सभी है, वो ब्लू पार्ट ऑफ द सनलाइट को मच मोर स्कैटर करता है देन द रेड लाइट ओके। सो ओनली ए लिटिल ऑफ द ब्लू लाइट प्रेजेंट इन व्हाइट सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय द एटमोस्फियर व्हिच मेक्स द स्काई पेयर ब्लू, और मोस्ट ऑफ द जो ब्लू लाइट है मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट रिमेन बिहाइंड अनस्कैटर्ड ओके ड्यू टू व्हिच द कंपोजिशन सनलाइट रिमेन्स ऑलमोस्ट अनऑल्टर्ड। मतलब क्या है ब्लू लाइट स्कैटरिंग हुआ एंड अदर पार्ट ऑल्सो प्रेजेंट इन सनलाइट, तो सनलाइट का कलर जैसे था इसे रहा सनलाइट का कलर चेंजेस नहीं हुआ क्लियर। सो बिकॉज ऑफ दिस डिरेक्शन ऑफ सनलाइट कमिंग थ्रू द ब्लू स्काई अपियर्स टू बी व्हाइट ओके। इफ हम सोचेंगे कि एटमोस्फियर अर्थ का एटमोस्फियर नहीं है ठीक है, इफ अर्थ का एटमोस्फियर नहीं है अर्थ का एटमोस्फियर में क्या क्या है अर्थ का एटमोस्फियर सोच लीजिए नहीं है तो क्या होगा स्कैटरिंग नहीं होगा। अर्थ का अगर एटमोस्फियर नहीं है ओके तो अर्थ का एटमोस्फियर नहीं होने से स्कैटरिंग नहीं होगा ओके। सो एज स्कैटरिंग नहीं होगा देन ब्लू कलर नहीं होगा, अगर एटमोस्फियर नहीं है तो ब्लैक होगा ओके इट विल अपीयर एज ब्लैक क्योंकि टोटली स्कैटरिंग नहीं होगा ओके। देन कम्स टू व्हेन द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट में हमें क्या होता है सन अपीयर्स रेड सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट बिकॉज एट द टाइम मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर प्रेजेंट इन द सनलाइट हैज बीन स्कैटर्ड आउट एंड अवे फ्रॉम आवर लाइन ऑफ साइट लिविंग बिहाइंड मेनली रेड कलर इन द डायरेक्ट सनलाइट बीम दैट रीचेस आवर आई। मतलब क्या है देखिए जैसे कि सनराइज और सनसेट में है हॉरिजन में है तो उस टाइम में डायग्राम में देखो होरिजन में कैसे लाइट डिस्टेंस मोर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है व्हेन सन इज एट द होरिजन ओके। सो ड्यूरिंग दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ सनलाइट मोस्ट ऑफ द जैसे कि शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू कलर है इट इज स्कैटर्ड आउट और ये इट इज अवे फ्रॉम आवर लाइन ऑफ साइट सो द लाइट रीचिंग आस डायरेक्टली फ्रॉम द राइजिंग सन और सेटिंग सन कंसिस्ट मेनली ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ दैट इज रेड कलर ओके ड्यू टू व्हिच द सन अपीयर्स रेड। ड्यू टू द सेम रीजन द स्काई सराउंडिंग द राइजिंग सन एंड सेटिंग सन ऑल्सो अपीयर रेड, तो इसीलिए सनराइज एंड सनसेट के टाइम में सन इट सेल्फ एज वेल एज द सराउंडिंग स्काई हमें रेड दिखाई देते हैं ओके ड्यू टू दिस सन अपीयर रेड। ये आप क्या कीजिए डायग्राम में देखिए कैसे ये होता है कैसे रेड दिखाई देता है ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट ओके।
देन हम क्या करेंगे, स्कैटरिंग के बारे में देखेंगे, स्कैटरिंग ओके, एक्सपेरिमेंट देखेंगे। देखिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे कि स्कैटरिंग हो रहा है, लाइट स्कैटरिंग हो रहा है, ठीक है, और ब्लू कलर स्काई हो रहा है। उसके लिए एक्सपेरिमेंट में हम कोलोइडल सॉल्यूशन लेंगे, उसमें टिनी पार्टिकल्स ऑफ सल्फर जो चाहिए हमें, क्यों चाहिए, स्कैटरिंग के लिए ओके, बाय डायरेक्शन ऑफ उसमें सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम थाई सल्फाइड सोल्यूशन लेंगे ओके। जो एपरेटस जो डायग्राम में दिया है उसी तरह एपरेटस हमें सेट करना है, ठीक है। उसमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट ऐसे है, उसको एक सोर्स लाइट हम इमेजिन करेंगे, इट इज दी सनलाइट ओके, इट इज दी सनलाइट ओके। दी ये जो एस फोकस में रहेगा, ठीक है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास होगा उसमें। देखिए डायग्राम में जस्ट देखिए, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट से हमें कॉन्वेक्स लेंस के थ्रो में क्या होगा, लाइट जो पास होगा, देन पैरेलल बीम विल कम ओके। व्हेन दिस ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब में एंटर होगा दिस लाइट, उसमें जो ब्लू लाइट स्कैटर होगा, ठीक है, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सल्फर है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसमें क्या होगा, उसमें स्कैटरिंग होगा ब्लू लाइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें ब्लू लाइट तो स्कैटर हो गया, उसको देन आफ्टर हमें कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के जरिए और रेस्ट लाइट को पास करेंगे, फिर उसको हमें क्या करना है, उसको कन्वर्ज करना है, कॉन्वेक्स लेंस में हम कन्वर्ज करेंगे, फिर एक रेड पैच ऑन स्क्रीन में रखेंगे और उसका क्या होगा, रेड दिखाई देगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो लाइट है वो इट विल बी अपियर एज रेड, ठीक है। दैट मीन्स ब्लू का स्कैटरिंग हो गया और रेड रहता है ओके। तो वहां से हम वी कैन क्लियरली अंडरस्टूड द हाउ दिस स्कैटरिंग टेक्स प्लेस, हाउ दिस ऑल अदर कलर टेक्स प्लेस। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन क्लियरली कोट दी आइडिया ओके। सो दिस मेनली पार्ट जो है, दिस पार्ट हम हिमालय कोलोफ्री वर्ल्ड का मैक्सिमम पार्ट इज कंप्लीटेड दिस चैप्टर ओके। इफ यू आर व्यूइंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम देन सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑनलाइन स्टडी। थैंक यू।